आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता शनिवार सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट से GEA एकेडमी की जानिब से बीते 40 दिनों से चल रहे दीनी ट्रेनिंग कैंप के तुलबा और तालिबा के बीच नातिया कंपटीशन, किरत कंपटीशन, अजान कंपटीशन और इस्लामिक क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया गया खदरपुर के डॉक्टर सुधीर बासु रोड पर स्थित असफाकुल्ला कम्युनिटी हॉल में। इस प्रोग्राम में भारी तादाद में GEA एकेडमी के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और अपनी बेहतरीन रूहानी परफॉर्मेंस से सामईनों का दिल जीत लिया। इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए कोलकाता के मशहूर और मारूफ सियासी व समाजी शख्सियतों ने शिरकत की और अपनी नेक दुआओं से बच्चों को नवाजा। इन शख्सियतों में शामिल थे वार्ड नंबर 75 के काउंसिलर निज़ामुद्दीन सम साहब, KMC वार्ड नंबर 77 की काउंसिलर शर्मिमा रेहान खान साहिबा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को दिली तौर से फोनिक्स ग्रुप के डायरेक्टर गुलाम अशरफ साहब ने भी सपोर्ट किया, जो हमेशा शहर कोलकाता में ऐसी तालीमी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में आए तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। बच्चों के अंदर जिस तरीके से दीनी तालीम को लेकर जो ये प्रोग्राम किया गया, कहीं ना कहीं देखा जा रहा बहुत कम होता जा रहा है, खासतौर पर खिदरपुर में, क्या कहना चाहेंगे? हम पहले भी आपके चैनल के जरिए ये बात अपने खास करके खिदरपुर के नौजवानों से, खिदरपुर के कल्बों से, खिदरपुर के वो तमाम समाजी कारकुनों से जो समाज से जुड़े रहते हैं उनसे अपील करता रहा हूँ कि हम लोग जिस माहौल में अभी जिंदगी गुजार रहे हैं, इस बात की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ एक तरफ हम लोग दुनियावी कामों में, दुनियावी प्रोग्रामों में मशरूफ रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत वक्त की हम ज़रूरत है कि अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम की तरफ ले जाएं। और दीनी प्रोग्राम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे हमारे बच्चों के लिए, वो बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद होगा। से जो आज ये एकेडमी की जानिब से बच्चों के दरमियान किरत, नात, अजान, तमाम जो इस्लामिक चीज़ों का जो कंपटीशन रखा गया, किस नज़रिए से देख रहे हैं, कैसा लगा आपको? देखिए, ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम कम देखने को मिलते हैं। ये हुआ बच्चों को इस्लाम के करीब लाना, इस्लाम में जोड़ना, क्योंकि बच्चे अभी बहुत दूर होते जा रहे हैं इस्लाम से। अगर हम अल्लाह का जिक्र नहीं करेंगे तो बच्चों को उतना फिर, क्योंकि बच्चों को अगर जिस तरह से हम बच्चों को जिस रास्ते पर ले जाएंगे, अगर बचपन में छोटे से बच्चे हैं, जब उनको जिस रास्ते पर ले जाएंगे बच्चे वहीं जाएंगे, इसलिए जो इस्लाम का जिक्र बच्चे इसमें शामिल है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस्लाम से जुड़े रहेंगे क्योंकि दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना। बहुत मुबारकबाद आज के दौर में दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलने की जरूरत है, जरूर, बहुत जरूरत है, क्योंकि हम दीन से भी जुड़े रहे और दुनिया के लिए भी हम अपना। बहुत जो इस तरीके का जो प्रोग्राम रखा गया, खास तौर पर दीनी प्रोग्राम बच्चों के लिए, कितनी ज़रूरत महसूस है आज के वक्त में, जहां लोग सिर्फ दुनियावी तालीम की तरफ ही जा रहे, दीन को भूलते जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि तालीम जो है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना माना बोस्त मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर आपके दुनियावी तालीम, असली तालीम की ज़रूरत है, वहाँ पर हमें दीनी तालीम की भी ज़रूरत है। इसलिए कि पहला सबक, पहला मदरसा, पहला मतलब जो है माँ का गोद होता है, और पहली तालीम जो है जाहिर सी बात दीन की होनी चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल को पहचानें। जी, जाहिर सी बात है हम अल्लाह उसके रसूल को पहचानेंगे जब हमारे अंदर ईमान होगा, खौफ खुदा होगा, तो हम जब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि खौफ खुदा होगा। जिस तरह से आज माशरे में लोग बड़े बड़े ओहदे पे फायज होकर झूठ का पुलंदा पाले हुए हैं, हर एक वो जो है आपके करप्शन, हर या चपरासी से लेकर क्या बताया जाए ऊपर तक, कोई ऐसा नहीं है जो कर्प ना हो। तो जाहिर सी बात है जब दीन होगा, खौफ खुदा होगा,
और आखिर सामने होगी तो इंशाल्लाह जो है इन सब चीज़ों से आदमी बचेगा, हमारा माशरे भी बेहतर होगा, हमारा मुल्क भी बेहतर होगा। और एक ज़माने में ये जो सोने की चिड़िया हमारे मुल्क कहलाती थी वो फिर कहलाएगी। पहले बहुत बहुत मुबारक जी एकेडमी के जानिब से, बड़ा ही शानदार और बेहतरीन प्रोग्राम, ख़ासतौर पर दीनी प्रोग्राम जो इस वक्त के माहौल में बहुत ज़रूरी है। क्या थॉट थी, क्या प्लानिंग रही, थोड़ा बताएं। देखिए, सौरभ सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा ही से ही एक ख्वाहिश है डिजिटल तालीम को आम करने के लिए, जो कि हमारे गरीब तबका के बच्चे, हमारे स्लम एरिया के बच्चे, हमारे मिडिल क्लास। देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को नीड है आज के टाइम पे तो वो मिडिल क्लास को है। कितने बच्चे हमारे, 30-25% बच्चे हमारे सर्वे के हिसाब से ड्रॉप आउट है। तो इन बच्चों के लिए हमारी यही कोशिश है कि डिजिटल एडुकेशन को आम करें और उसमें फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम भले ही रखें, मगर उसके साथ साथ उर्दू अरबी मस्ट किया जाए हमारे मुस्लिम भाइयों बच्चों के लिए। और एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग चाहते हैं कि बंगाली, हिंदी, संस्कृत, तमाम किस्म के भाषाओं को हम लोग सिखाएं, ताकि एक बच्चा कंप्लीट बन सके, वो अपने दीन को समझ सके, अपने दुनिया को समझ सके। एक प्लेटफॉर्म में लाने की ये छोटी सी कोशिश, हम लोगों ने इससे पहले भी एक जगह ले रखा है बैरकपुर श्याम नगर में 5.5 कट्ठा का, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ और ताउन रहेगी तो बहुत जल्द वो भी बनेगा। और यहाँ हमारे खिदरपुर में जी एकेडमी के नाम से हम लोगों ने एक सेंटर को ओपन किया है, इंशाल्लाह आगे चल के उसके दूसरे माला भी ओपन करेंगे। और क्या क्या प्रोग्राम का इनका किया गया, आज हम लोगों का नात कंपटीशन, किरात कंपटीशन, अजान कंपटीशन और क्विज कंपटीशन मेन है। उसके बाद हम लोगों का मॉनसून कैंप का बहुत सा प्रेजेंटेशन बीच बीच में हो भी रहा है और आगे भी होगा। और तो ये आज एक 40 डेज का जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया, आपने सेंटर पे जो रोज़ एडुकेशन दिया, उसका आज आप सब देख सकते हैं कि ये नतीजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही चाहूँगा कि एज अ सोशल वर्कर हर एक इंसान के अंदर में एक सोशल एक्टिविस्ट पलता है। तो वो लोग भले ही ब्लड डोनेशन करें, भले ही कम्बल वितरण करें, खाना डोनेट करें, मगर साथ साथ जो हमने फील किया कि सबसे बड़ा काम है, अगर किसी को हम एडुकेट कर देते हैं, किसी को तालीम दे देते हैं, तो वो अपना, अपने परिवार का, पूरे समाज का भार उठाने के लायक हो जाए। तो एक कंधा भले ही थक जाए, मगर जो हज़ारों कंधा का तादाद लग जाएगा वो कभी इंशाल्लाह थकेगा नहीं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि एडुकेशन को बेस बना के आगे बढ़े। ऐसा जी एकेडमी की जानिब से आज ये बच्चों के दरमियान किरत कंपटीशन, अजान कंपटीशन, नात कंपटीशन, एक इस्लामिक प्रोग्राम रखा गया। काफ़ी दिनों के बाद ये जो है ख़ासतौर पर खिदरपुर इलाके में देखने को मिला, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत उम्दा प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम। कितने लोग हम लोग, शौकत भाई हैं, शोएब भाई हैं, काफ़ी प्रोग्राम में आना जाना हम लोग का है, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम करना और इसके बारे में सोचना ही बहुत बड़ा बात है। हम लोग तो सोचना दूर बात है, लेकिन इस प्रोग्राम को करके कामयाब बनाना बहुत बड़ा बात है। इन बच्चों को देख के हौसला आ रहा है, ये बच्चे आने वाले दिन में इस चीज़ से काफ़ी हौसला होगा, उन्हें काफ़ी इंस्पायर्ड होंगे और हम जैसे लोग ऐसे प्रोग्राम कराने के लिए इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। बेशक जरूरी, बहुत अच्छा प्रोग्राम सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन, शोएब भाई और उनकी टीम ने जो ये प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम देखने नहीं मिलता है। देखिए, हम लोग का समाज में बहुत सारा जो है काम होता है, हेल्थ चेकअप कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, बहुत सारा है, मगर आप अपने जो दीनी तालीम है उस तालीम से आप जो है दूर होते जा रहे हैं। दीन ही तालीम जो है, आपका धर्म ही तो आपको जो है सही रास्ता दिखाता है। तो ये नींव है ज़िंदगी का, ये नींव है, इसको लोग जो है भूल जाते हैं। और भूलने के बाद में जो है सबसे पहले बच्चों को जो है वो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम में सब कुछ, मगर आप अपना नींव को अगर ठीक नहीं कीजिएगा, ज़िंदगी जीने का जो तरीका है जो है वो आपका इस्लाम आपको सिखाया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जी एकेडमी का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया है।
जी अकेडमी ने जो प्रोग्राम चालू किया है, मेरा ये मानना है कि ये जो इस्लामी यहाँ से जो दीनी तरबियत चालू हो रही है, ये आज से नहीं, 1400 साल पहले हमारा दीन आया है और कुरान आई है। तो आज जो शोएब वारसी ने शहरों सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टार्ट किया है, ये धीरे 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 ख़त्म हो रहा था, इसको फिर से चालू की जा रही है। हमारा ये मानना है कि यहाँ से ये अवेयरनेस बढ़ेगी। आप अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हो तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ एक सब्जेक्ट हमारी दीनी तालीम की भी होनी चाहिए। आज शोएब भाई सोरो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक दीनी प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि आज के माशरे में जो चल रहा है, जो मतलब बच्चे जो दीन से भटक जा रहे हैं, जो दीन के तालीम से भटक जा रहे हैं, उनको रास्ते में ये पहला शोएब भाई का स्टेप है, जो आस्ते से ये बच्चे लोग को कैसे दीनी तालीम स्टार्टिंग से बच्चे लोग को दिया जाए। आप इंग्लिश अंग्रेजी सब कुछ पढ़ाइए, मगर आप स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेट है बच्चों का, उसमें दीनी तालीम की तालीम देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि